नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। मैं आर रॉय आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी हम मौजूद हैं भिटौली पंचायत के वार्ड नंबर 9 में, जहां के वर्तमान वार्ड सदस्य हैं इंदु देवी और उनके पति ददन पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं विगत 5 वर्षों में इन्होंने अपने वार्ड का कितना विकास किए हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। तो वार्ड जी बताइए, विगत 5 वर्षों में 7 निश्चय योजना के तहत कितनी योजना का लाभ आपने जनता को दिए हैं? हम दिए हैं, नल जल हमको मिला है, नल जल का काम हमारा संपूर्ण चल रहा है, और शौचालय का काम भी आया, जो शौचालय बनाने में हम जितना हमारा सहयोग था उतना हमने कर दिए। और इस 7 निश्चय योजना में गली नली रोड सोखता ही सब था, लेकिन हमको मुखिया ने नहीं दिया। तो वार्ड जी, इसके अलावा गरीबों के लिए राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, इस पे काम हुआ है? हम इंदिरा आवास के लिए अप्लाई किए और एक नहीं मिला। राशन कार्ड हमने 10-20 बनवाए हैं। वृद्धा पेंशन में भी हम बनवाए हैं, पूरा 10-20 आदमी को बनवाए हैं। कोरोना में मास्क बांटे थे? मास्क, साबुन सब बांटे थे। तो जैसा कि अब चुनाव आ रहा है, जनता से फिर वोट मांगने जाना है, तो क्या कह के वोट मांगिएगा, कौन सा मुद्दा? हमारे जनता से वोट मांगने के बात है कि सब जनता हमको जानते हैं कि जो भी काम आया है 9 नंबर वार्ड से लाभ हमको मिला है। वार्ड नंबर 9 का ऐसा कोई वार्ड नहीं है कि जितना हम काम किए। हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या कहिएगा? आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहेंगे कि वोट दीजिए, जिताइए, जो बाकी पूरा करेंगे वो सब यही हम करेंगे ना जी। सही बात है। जैसा कि इनका साफ कहना है, विगत 5 वर्षों में 7 निश्चय योजना में से एक नल जल की योजना का लाभ हमको मिला था, मैंने उसको जनता तक पहुंचा दिया। इसके अलावा राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, शौचालय, इस पे काम हुआ है, और कोरोना में मास्क भी इन्होंने बांटे हैं। और इनका कहना है कि जनता फिर से अगर वोट देकर जिताती है तो जो कार्य अधूरा है उस कार्य को मैं पूरा करूँगा। ऐसे ही खबर को देखने के लिए बने रहिए N20 लाइव पे। धन्यवाद।